Good morning, students. In our last class, we have studied about the definition of pronoun and its type and person pronoun. Then we will continue our class by next remaining pronouns in that series. Interrogative pronoun are used to ask question, and interrogative pronoun represents the person, things that we are asking the question about. इंटरोगेटिव प्रोनाउन के अंदर हम क्वेश्चन पुटअप करते हैं और ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन्स पर्सन या थिंग से रिलेटेड होते हैं. हु सा यू, तुमको किसने देखा. दिलीप सा मी. हुम डिड यू सी, तुमने किसको देखा. आई सा दिलीप. वॉट डू यू वॉन्ट, तुम क्या चाहते हो. आई वॉन्ट टी. इट मीन्स यू हु, कौन, हुम, किसको, वॉट, क्या, विच, कौन सा, Who's, किसका या किसकी. तो विच इज द रूम दैट हैज ए व्यू ऑफ द सी. द रूम ऑन द सेकेंड फ्लोर हैज द व्यू ऑफ द सी. हु सर्टिफिकेट फॉर द एसे कॉम्पिटिशन हैजंट अराइव्ड यट. अनिशा सर्टिफिकेट हैजंट अराइव्ड यट. आपने देखा कि ये जो हु, whom, what, which एंड whose है, ये क्वेश्चन पुट अप करने में काम आ रहे हैं और ये रिलेशन शो कर रहे हैं कि किसका किससे रिलेशन है. तो हमारे ये क्या होते हैं जो प्रोनाउन, ये पर्सन थिंग्स को इंडिकेट करते हैं. पर्सन को इंडिकेट करने के लिए हम हु और होम का यूज करते हैं, जबकि थिंग्स का रिक्वायरी करने के लिए हम व्हाट का यूज करते हैं. अगर हमें पर्सन या थिंग्स के बारे में पूछना है भाई किसका है, तो उसके लिए हम विच का यूज करते हैं. और पर्सन बिलोइंग टू, पर्सन का रिलेशन, जैसे हम किसका किसकी की बात करते हैं, वहां पे हम हुज का यूज करते हैं. इंटरोगेटिव प्रोनाउन एंड इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, इनमें क्या डिफरेंस होता है. द सेम वर्ड कैन बी यूज्ड एज बोथ इंटरोगेटिव एडजेक्टिव एंड इंटरोगेटिव प्रोनाउन, बट देयर इज अ डिफरेंस इन द वे दे आर यूज्ड. एन इंटरोगेटिव एडजेक्टिव आस्क ए क्वेश्चन एंड डिस्क्राइब्स ए नाउन. इंटरोगेटिव प्रोनाउन एंड इंटरोगेटिव एग्जेक्टिव जनरली सेम वर्ड ही होती हैं, लेकिन इनके यूजिंग के अंदर डिफरेंसेस होता है. इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या करता है कि हम जब क्वेश्चन पुटअप करने के लिए काम आता है, जबकि जो इंटरोगेटिव एग्जेक्टिव है आस्क ए क्वेश्चन एंड डिस्क्राइब इन नाउन, ये क्वेश्चन पुटअप करता है और नाउन को डिस्क्राइब्स करता है. एन इंटरोगेटिव प्रोनाउन लाइक आस्क ए क्वेश्चन बट स्टैंड्स अलोन. लेकिन जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है वो सिंगल रहता है. क्वेश्चन पुटअप तो ये भी करता है. इन द फॉलोइंग सेंटेंस द वर्ड विच एंड व्हाट आर यू डिस्क्राइब नाउन. विच मूवी डिड यू सी, तुमने कौन सी मूवी देखी. तो इसके अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये विच आया है, ये क्या कर रहा है, मूवी की क्वांटिटी क्वालिटी को शो कर रहा है कि वो मूवी के बारे में तुमसे इंक्वायरी करना चाह रहे हैं. व्हाट गिफ्ट, क्या गिफ्ट, यानी कि ये तुमसे गिफ्ट के बारे में इंक्वायरी करना है कि तुम अपने बर्थडे पे कौन सा गिफ्ट चाहते हो. तो ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. रिफ्लेक्सिव एंड एम्पैथिक प्रोनाउंस. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर यूज्ड व्हेन द एक्शन इज डन बाय द सब्जेक्ट एंड रिफ्लेक्ट्स ऑन द सेम पर्सन. रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन के अंदर जब एक्शन होता है सब्जेक्ट के द्वारा, जो एक्शन डन किया जाता है उसका उसी पर्सन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, शी टॉट हरसेल्फ जर्मन बाय टेकिंग एन ऑनलाइन कोर्स. अब यहाँ पे देखेंगे कि वह सीख रही है जर्मन और उसका इफेक्ट भी उसी के ऊपर पड़ रहा है, ताकि वह ऑनलाइन कोर्स लेते हुए जर्मन कोर्स सीख रही है. व्हेन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर यूज टू पुट एम्फेसिस ऑन ए पर्टिकुलर नाउन, दे आर कॉल्ड एम्फेटिक प्रोनाउन. थ्रू रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन आर यूज द सेम ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वी कैन टेल देम अपार्ट विद द सेम सिंपल ट्रिक. टेक ए प्रोनाउन आउट ऑफ ए सेंटेंस, इफ इट स्टिल मेक सेंस देन इट इज एन एम्फेटिक प्रोनाउन. ये प्रोनाउन क्या है, सेम ही होते हैं एम्फेटिक एंड रिफ्लेक्सिव, लेकिन आपको इनको चूज कैसे करना है, आपको क्या करना है, आपको प्रोनाउन पुटअप करना है. और अगर इसका सेंस बन रहा है, आपको अगर ये मीनिंग सेंसिंग लग रहा है, तो ये एम्फेटिक प्रोनाउन है. इफ नोट देन इट इज रिफ्लेक्सिव. शी हरसेल्फ टोल्ड मी दिस, उसने खुद से पूछा मेरे लिए. दे
themselves admitted that they had eaten all the chocolates. We ourselves witnessed the accident. An emphatic pronoun can never be the subject of a sentence. Emphatic pronoun कभी भी subject के रूप में use नहीं हो सकता. Like it is wrong to say Srini and myself went there. Myself Amit Chaudhary. तो ये आपके sentences क्या है? Wrong है. इनका जो right way है इनको बोलने का क्या होगा? Srini and I went there. My name is Amit Chaudhary. ये आपके राइट वे है इम्पेथिक प्रोनाउंस बोलने के. अब हम बात करते हैं पजेसिव प्रोनाउन. पजेसिव प्रोनाउन शो दैट समथिंग बिलोंग्स टू समवन. पजेसिव प्रोनाउन सिंप्लीफाई सेंटेंसेस दैट शो पजेशन ऑफ ए नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस. इट साउंड्स ओड टू यूज शैमास नेम ट्विस्ट. ए पजेसिव प्रोनाउन सॉल्व्स द प्रॉब्लम. Is this Shaima's apartment? Yes, it is Sharma's apartment. In this Shaima's apartment? Yes, it is hers. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हम फिर भी शमा शमा का दम दो बार बोल रहे हैं. तो हम नेक्स्ट कंडीशन में क्या बोल रहे हैं? जब हम शमा हाउस अपार्टमेंट बोल रहे हैं तो हम यहाँ पे उसका पजेशन हर यूज कर रहे हैं. ये उसका पजेसिव प्रोनाउन है. आप यहाँ देखेंगे कि इस इंडिकेट को देखेंगे आपको यहाँ पता लगेगा कि कौन किसका पजेशन है. सब्जेक्ट आई, इसका पजेसिव प्रोनाउन माइन. यू, इसका पजेशन योर्स. ही, इसका पजेशन हिज. शी, हर्स. इट, इट्स. वी, आर्स. दे, देयर्स. रिलेटिव प्रोनाउन. रिलेटिव प्रोनाउन लाइक कंजक्शंस आर वर्ड दैट हेल्प अस टू जॉइन सेंटेंसेस. रिलेटिव प्रोनाउन कंजक्शन के जैसे वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस को जॉइन करने के लिए यूज होते हैं. द टाइप ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन यूज डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ नाउन बींग डिस्क्राइब. और रिलेटिव प्रोनाउन डिपेंड करता है नाउन के काइंड के ऊपर. फर्स्ट हम बात करते हैं हु रेफर्स टू ए पर्सन एज द वर्ब सब्जेक्ट. अगर हम हु का यूज जनरली हु कौन होता है लेकिन जब इसका हम रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज करेंगे तो ये हु बन जाएगा. जो कौन तो इसकी जगह हो जाएगा ये जो या जिसका. आप यहाँ देखेंगे द डिलीवरी बॉय हु केम लेफ्ट हिज पैकेज फॉर यू. डिलीवरी बॉय कौन? जो आया था और ये पैकेज तुम्हारे लिए छोड़ के गया. यानी डिलीवरी बॉय का रिलेशन है सामान देने से उसका जो आया था. हु इसका वैसे तो हम इंट्रोगेटिव में होम यानी कि किसका लेकिन यहाँ पे इसका बन जाएगा जिसका. रेफर्स टू ए पर्सन. आई एम नॉट श्योर होम दिस मोबाइल बिलोंग्स टू. अब मैं ये श्योर नहीं हूँ कि ये मोबाइल किसका है. तो यहाँ पे ये हमें समझ में नहीं आ रहा कि मोबाइल फोन किससे बिलोंग करता है. विच रेफर्स टू एन एनिमल्स और थिंग. विच का यूज हम एनिमल और थिंग्स के लिए करते हैं. योगा विच टेक्स ए लॉट ऑफ टाइम्स टू मास्टर हैज बिकम पॉपुलर नाउ. वॉट रेफर्स टू ए नॉन लिविंग थिंग्स. इज दिस वॉट यू वर टॉकिंग अबाउट. डैट रेफर्स टू ए पर्सन एनिमल और थिंग. आई फाइनली रीड द स्टोरी द गिफ्ट ऑफ द मागी डैट इज कंसिडर्ड ए क्लासिक. इनडेफिनिट प्रोनाउंस. प्रोनाउन विच रेफर टू पर्सन और थिंग्स इन ए जनरल वे एंड नॉट टू एनीथिंग और एनीवन इन पर्टिकुलर आर कॉल्ड इनडेफिनिट प्रोनाउन. ऐसे प्रोनाउन जिनका यूज हम जनरल वे में करते हैं उन्हें हम इनडेफिनिट प्रोनाउंस कहते हैं. सम इनडेफिनिट प्रोनाउंस आर वन सम नन many, we, others, everyone, all, few, nobody, anybody, each and every. ये आपके कुछ वर्ड है जिनका यूज हम इनडेफिनिट प्रोनाउन के लिए करते हैं. वी यूज प्रोनाउन एंडिंग इन बॉडी एंड वन फॉर पीपल. बॉडी और वन का यूज जनरली पीपल के लिए करते हैं. एंड प्रोनाउन एंडिंग इन थिंग फॉर थिंग.
और प्रोनाउन जिनके एंड में थिंग आ रहा है वो थिंग्स के लिए यूज हो रही है. एवरीबडी हैज टू स्टैंड टू शो देयर रेस्पेक्ट टू द नेशन नेशनल एंथम. एवरीबडी ये आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है कि प्रत्येक व्यक्ति को जब नेशनल एंथम हो उस समय रेस्पेक्ट शो करने के लिए खड़े होना था. तो ये आपका क्या है, एवरीबडी क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है. आई आंसर्ड द कॉल ऑन माय मोबाइल बट देयर वाज नो वन एट द अदर एंड. इट मींस नो वन इंडेफिनिट प्रोनाउन. एज सून एज शर्लोक होम्स एक्सप्लेन द मोटिव एवरीथिंग बिकेम क्रिस्टल क्लियर. द इंडेफिनिट प्रोनाउन एनीबडी एवरीवन एनीवन समवन समबडी नो वन नोबडी आर ऑलवेज सिंगुलर. ये आपके जो प्रोनाउन है एनीबडी एवरीबडी एनीवन समवन जनरली ये सिंगुलर होते हैं. द प्रोनाउन आइदर एंड नाइदर आर ऑल्सो सिंगुलर. आइदर एंड नाइदर ये प्रोनाउन भी सिंगुलर ही होते हैं. नाइदर द गर्ल्स नोज द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस. आफ्टर द लॉन्ग हाइक इन द कोल्ड माउंटेन एवरीबडी नीड्स टू रिहाइड्रेट विद ए स्टीमिंग बाउल ऑफ सूप. द लेक ऑफ ऑक्सीजन इन द हायर एल्टीट्यूड्स ऑफ द हिमालयाज मेक्स एवरीवन ब्रीथलेस. समवन हैज हैक्ड इनटू माय कंप्यूटर. इट मीन्स आप इसमें देख रहे हैं कि नाइदर नोज एवरीबडी एवरीवन समवन ये आपके इंडेफिनेट प्रोनाउन है. हाउएवर वी यूज ए प्यूलर प्रोनाउन टू रेफर बैक टू एन इंडेफिनिट प्रोनाउन. और हम यहाँ पे प्यूलर प्रोनाउन्स का भी यूज करते हैं लाइक एवरीबडी एंजॉयड सरोद मस्ट्रियो अमजद अली खान्स कॉन्सर्ट दे गेव हिम ए स्टैंडिंग ओवेशन. शी विल इन्फॉर्म समबडी डेट द कॉन्फ्रेंस रूम इज रेडी. दे हैव बीन वेटिंग ए रियली लॉन्ग टाइम टू गिव देयर प्रेजेंटेशंस. We use an indefinite pronoun with no as the subject in negative clause nobody. जब हमें negative answer देना हो उस condition में हम nobody का use करते हैं. तो ये थे आपके pronouns. I hope you have understand this chapter.